राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई, आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। और शाम के टाइम इवनिंग के नुआए नुआए मतलब कि समतल समतल मौसम के अंदर एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी एमटीएस का जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होना है अप्रैल के अंदर, आप लोगों का एग्ज़ाम होना है 17 फरवरी फॉर्म भरने की इसकी लास्ट डेट है। चपरासी यानी कि एक तरीके से जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ऑफिस के अंदर, कागज़ घुमाने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी भर्ती है एक तरीके से, ठीक है। करीबन 12,500 पदों पर भर्ती है। इसके लिए जो मतलब कि आप लोगों को मैंने बता रखे इसके एग्जाम पैटर्न, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीके आएंगे। मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग होगा, जीके और जो आपका क्या नाम है इंग्लिश है उसके ऊपर बेस आपकी कट ऑफ लगेगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा जो जीके और जो जीएस आएगी एसएससी एमटीएस के अंदर, मतलब जीके जीएस और इंग्लिश आएगी, ठीक है। इसके अंदर 150 के अंदर से करीबन 120 के आसपास का स्कोर है, कैसे कर सकते हो। बहुत से लोग आप लोगों को इस टाइप की वीडियो बनाते हुए मिलेंगे, 150 में से 150 कैसे ले आएं, आपके जीके और इंग्लिश के अंदर 150 के अंदर से 150 कैसे ले आएं, वो वीडियो देखना ही मत, पहले बताने लग रहा हूँ। कोई मतलब असंभव बात करने लग रहा है, कभी भी 150 में से 150 आज तक ऐसे सीखे इतिहास में नहीं आए किसी के, और विशेष तौर पर आपके जीके जीएस में तो बिल्कुल असंभव है। जीके के अंदर एसएससी के इतिहास में आज तक किसी के पूरे नंबर नहीं आए हैं, और आप 150 में से 150 लाने की बात करने लग रहे हो, यानी कि ये समझो आप जीके जीएस अगर इसके अंदर से अगर इसके अंदर 75 मार्क्स की आती है जीके जीएस आपकी, 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। और इंग्लिश भी आपकी अगर 75 मार्क्स की आती है, इंग्लिश के अंदर आप 75/75 ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन जीके जीएस के अंदर आप 75 में से 75 इम्पॉसिबल है, असंभव। एसएससी वाले इतने वो हैं एक्सपर्ट, मतलब एसएससी वाले क्या, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, जीके जीएस जीके आपकी इनफाइनाइट होती है, चाहे कितनी पढ़ लो नंबर कटने जरूरी है, ठीक है। फॉर्म कितने भरे गए हैं अभी तक एमटीएस के अंदर, टोटल अभी तक कितने फॉर्म हैं फिल हुए हैं, वो भी सारा का सारा आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं, बेस्ट बुक्स कौन सी है, कहाँ से पढ़ सकते हो, देखो भी सारा का सारा चीज। सबसे पहले तो आपका जीके की देखो भाई, जीके की तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को, जो जीके या जो जीएस है, ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। जीके जीएस के अंदर जो मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं, आप लोगों के पास है केमिस्ट्री, ठीक है, बता देता हूँ, केमिस्ट्री है, फिजिक्स आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बायोलॉजी है, ठीक है, हिस्ट्री है, और आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी है, और उसके अलावा आपकी ज्योग्राफी है जिसको भूगोल बोलते हैं, ठीक है, और आपकी इकोनॉमिक्स है जिसको आपका अर्थशास्त्र बोलते हैं। यही आपके सब्जेक्ट हैं, यही आपके किसके हैं, जीके जीएस का एक पोर्शन को कवर करते हैं। जिसका जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन के अंदर आपके क्या क्या आ गए, जैसे कि आपके त्योहारों के नाम हो गए, ठीक है, त्योहारों के नाम हो गए, कोई भी त्यौहार है, अलग अलग राज्यों के अंदर त्योहारों के नाम होते हैं, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। कोई भी आपके पार्क हो गए, पार्कों के नाम हो गए, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो भी है अलग अलग टाइप के हैं, मतलब वो सारा का सारा ये आपका सेकंड पोर्शन के अंदर आता है जीके जीएस का। थर्ड पोर्शन है, थर्ड के अंदर आपका क्या आता है, थर्ड के अंदर आपकी करंट अफेयर आती है जीके जीएस के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपको कहाँ से क्या कुछ मटेरियल तैयार करना, करंट अफेयर के लिए है आप लोगों को, करंट अफेयर के लिए आप लोगों को कहीं पर भटकने की डेली क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर भी आपका मंथली करंट अफेयर का डाटा आप लोगों को हर चैनल पर मिल जाएगा, कोई भी चैनल हो, मंथली करंट अफेयर का जो डाटा है वो आपको YouTube के किसी भी चैनल से कर लो भाई, ऐसे लिख दो YouTube के ऊपर दिसंबर मंथ करंट अफेयर, दिसंबर 2022 करंट अफेयर, पूरे के पूरे महीने की करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी, कान में लीड लगा के आराम से उसको सुन लेना, एक दो घंटे की मिल जाएगी आराम से वीडियो, उसको आराम से सुन के, ठीक है, दो तीन बार उसको सुनोगे दिमाग के अंदर पूरे महीने की करंट फिट हो जाएंगे, ठीक है। डेली करंट अफेयर रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से एक महीने पहले भी अगर करंट को पढ़ना शुरू करोगे तब भी बात बन जाएगी, डेली माथा मारने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर का हो गया सेक्शन क्लियर, पिछले मैक्सिमम 7 से 8 महीनों की करंट अफेयर को निपटा लो, अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होना, तो करीबन ये समझो आपकी जुलाई 2022 के बाद की जितनी भी करंट अफेयर है, ठीक है, यानी कि अगस्त 2022 से लेकर और अब तक की मतलब कि मार्च तक की जो भी करंट अफेयर होगी इसको अच्छे से रट लेना। त्योहारों के नाम, पार्कों के नाम है, इनकी भी ट्रिक्स मिल जाती हैं आप लोगों को, इनको आप लोगों को किसके साथ कवर करना है, ट्रिक्स के साथ करना है, चैनलों के ऊपर है, अलग अलग यूट्यूब पर 100 चैनल भरे पड़े हैं, किसी भी चैनल के ऊपर जाके देख लेना, इनकी ट्रिक्स मिल जाएगी। बस ऐसे त्योहारों के नाम याद करने की ट्रिक्स क्या है, पार्क हैं जितने भी भारत के अंदर उनके नाम याद करने की ट्रिक्स क्या है, अलग अलग ट्रिक्स
आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर, किसी पर भी देख लेना, वहाँ से उन ट्रिकों के सारे आप इनको याद करके इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, इसके अंदर जो बायोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटी और जो ज्योग्राफी है ठीक है, इसके अंदर से है मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके। इन चार जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो केमिस्ट्री फिजिक्स है इनके अंदर से रेयर चांस होता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन फंस जाए, या इकोनॉमिक्स के अंदर से भी रेयर चांस होता है कोई एक आधा क्वेश्चन फंस जाए। जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बायोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी से मिलेंगे। इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना है। इसके अंदर आप लोगों को तैयारी करनी कैसे है, जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री उठा ली तो हिस्ट्री के अंदर आपने इतिहास के अंदर जैसे आप लोगों ने भाई मान लो कोई सा भी वंश है, गुप्त वंश है, गुप्त वंश पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले गुप्त वंश की थ्योरी पढ़ो, उसके बाद उसकी ल्यूसेंट से या घटना चक्कर से उसके एमसीक्यू लगाओ, उसके एमसीक्यू पढ़ो, आप लोगों को पता लग जाए भाई मैंने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर से मैंने कितना कवर अप किया है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जैसे आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली जो भी है इसकी, मान लो आपने गुप्त वंश की सारी थ्योरी पढ़ ली भाई, किसने स्थापना करी थी, कौन महान शासक था, चंद्रगुप्त था, कौन सकंद गुप्त था, कौन कुमार गुप्त था, ये सारे के सारे इनके नाम याद कर लो ठीक है। उसके बाद फिर उसके एमसीक्यू लगा के देखो भाई आप लोगों को पता लग जाए भाई आप लोगों ने मतलब जो थ्योरी पढ़ी हो आप लोगों ने कंप्लीट कर की है या नहीं की। अगर आप लोगों के लिए देखो भाई आपने उस ल्यूसेंट की घटना चक्र की बुक से आप लोग लगा सकते हो, आप लोगों को पता लग जाए भाई मैंने जो भी थ्योरी पढ़ी हो मैंने कितनी याद हुई है, एक आधा क्वेश्चन आप लोगों को नया भी देखने को मिलेगा ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हाँ भाई मेरी तैयारी होने लग रही है। इसी टाइप से पॉलिटी के अंदर पॉलिटी की पहले थ्योरी पढ़ो फिर एमसीक्यू लगाओ। ज्योग्राफी के अंदर भी सेम टू सेम है, जैसे पहाड़ हैं पहाड़ों के नाम याद कर लो, दर्रों के नाम याद कर लो, इसके अंदर त्यौहार पार्क और भी अलग अलग मिलेंगे, विश्व संगठन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी या और हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अंदर स्थापना हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर हुआ था, ये सारी की सारी चीज़ें हैं अच्छे से याद कर लो ठीक है। जिक्के आपकी यहीं से कवर होगी, जिक्के के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर आप 25 के अंदर से 25 क्वेश्चन आएंगे जिक्के जीएस के ठीक है, अगर आप लोग 25 के अंदर से अगर आप लोग 14 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप लोग ठीक करने लग रहे हो, अगर आप लोग 14 से 15 क्वेश्चन भी अगर ठीक करने लग रहे हो तो आपका ये बेस्ट स्कोर होगा जिक्के जीएस के अंदर ठीक है। क्वेश्चन बताने लग रहे हैं 14 से 15 क्वेश्चन, यानी कि 15 या 45 यानी कि करीबन आप जिक्के के अंदर अगर 50 के करीब स्कोर करने लग रहे हो 50 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर आप लोग जिक्के के अंदर 50 के करीब अगर स्कोर करने लग रहे हो तो ये आपका बेस्ट स्कोर है, इससे फालतू आप लोगों को स्कोर करने की जरूरत नहीं है जिक्के जीएस के अंदर ठीक है। यहाँ से आप लोगों को इस टाइप से जिक्के जीएस है कवर अप करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंग्लिश का कैसे क्या कुछ पोर्शन है इंग्लिश का, और देखो भाई उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्म भी बताऊंगा कितने फॉर्म भरे गए हैं। इंग्लिश के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश के दो पोर्शन होते हैं, इंग्लिश के कितने पोर्शन हैं, दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन के अंदर तो आती है आपकी वोकैब ठीक है, एक के अंदर तो क्या आती है आपकी वोकैब, यानी कि जो आपको ये नए नए वर्ड देखने को मिलेंगे, दूसरे पोर्शन के अंदर आते हैं आपकी ग्रामर ठीक है। ये दो पोर्शन आते हैं इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर आप लोगों को कैसे कवरअप करना वोकैब अगर आप लोग डेली की 40 वोकैब भी याद करते हो, डेली की 40 वोकैब भी याद करते हो तो भी काफ़ी है, 40 वोकैब बहुत होती हैं ठीक है। 40 वोकैब के अंदर मैं मान लो आप लोगों ने 20 कर लिए एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिए 20 ठीक है, 20 आप लोगों ने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए या वगैरह वगैरह, या फिर 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 10 फ्रेजेस याद कर ली, इस टाइप से आप लोगों को डेली वोकैब करनी। वोकैब करनी कहाँ से है, पहले तो जो केडी कैंपस की बुक आती है आप लोगों ने सुना होगा, केडी कैंपस बाय नित्तू मैडम सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश की आप लोगों को आज के दिन में अगर पता हो तो ठीक है। तो केडी कैंपस की बुक आती है वॉल्यूम फर्स्ट नित्तू मैडम की है, उसके अंदर से आप लोग वो कैब याद कर सकते हो, सबसे पहले आपको वहीं से करनी है। उसके बाद जब आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी हो जाए उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, एक द हिंदू एक नाम से एक न्यूज़पेपर आता है द हिंदू नाम से, इसके ऊपर आप लोगों को जाके क्या करना, जो द हिंदू नाम का जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर एक एडिटोरियल नाम का पेज आता है, एडिटोरियल नाम का एक पेज आता है ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये है वो पेज, ये रहा इसके ऊपर देखो ये रहा ओपन जो सीजन दिखाई देने लग रहा है ये इस तरफ वाला, ये टॉपिक आप लोगों जैसे देखो ये मैंने पढ़ रखी है वो कैब, ये देखो आप जैसे मैंने क्रूशियल इसका मीनिंग लिख रखा है महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसके नीचे है जो हर एक का अलग अलग टाइप से मीनिंग लिख रखा है भाई आपका, जैसे कोलिएशन है, कोलिएशन का मतलब गठबंधन होता है, इस टाइप से आपको ये वाला जो पोर्शन है ना साइड में जो दे रखा है ये आप लोगों को डेली पढ़ना है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और भी
ये रहा, ये जो इसके ये है ना इस साइड में, ये वाला सारा पोर्शन, ये इसी साइड वाला, ये जो इतना इतना है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक के दो टॉपिक आते हैं डेली, ये आप लोगों को डेली पढ़ने हैं, डेली कवर अप करने हैं डेली। इसके अंदर से आप लोगों को पूरा पूरा पढ़ के देखना आप लोगों की इंग्लिश पढ़ने की स्किल अच्छी होगी, ठीक है। और इसके अंदर से जोन सी वो कैब मिलती है, जोन से वो कैब का मतलब क्या है, जोन से भी आपको मुश्किल मुश्किल वर्ड मिलेंगे, वो आप लोगों को अलग से कॉपी के अंदर नोट कर लेने हैं। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ इससे बार वो कैब नहीं आती, मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिए, खुद भी मॉक टेस्ट दे के देखता हूँ, मुझे पता है, उसे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, आप लोग खुद देख लेना, आप 10 दिन करके देखो, 10 दिन मेरी बात मान के करके देखो, 11वें दिन आप लोग वो कैब का मॉक टेस्ट दे के देख लेना, इसके अंदर से अगर 2 से 4 वो कैब ना फंस जाए तो मुझे कह देना भाई नहीं आई, ठीक है। वीडियो को डिसलाइक कर देना, कमेंट में कर देना भाई वो कैब नहीं आई इसके अंदर से, ठीक है। वो कैब डेली मतलब कि डेली वो कैब को 1 घंटा तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, स्पेशल वो कैब के ऊपर 1 घंटा। उसके बाद आता है ग्रामर का, ग्रामर का डेली का एक चैप्टर आप लोगों को कवर अप करना है, ग्रामर का डेली, डेली का एक चैप्टर तो फिक्स कर लो। जैसे आज आप लोगों ने क्या कर लिया, जैसे आज आप लोगों ने नाउन लिपटा दिए, आज क्या निपटा दिए, आज नाउन लिपटा दिए, ठीक है। कल आप लोगों ने एडजेक्टिव लिपटा दिए, इस टाइप से डेली एक टॉपिक विद प्रैक्टिस इसी बुक के अंदर से, केडी कैंपस के अंदर से, इसके अंदर प्रैक्टिस सेट भी है, डेली निपटाने हैं। उसके बाद सिलेबस पूरा होने के बाद है कंप्लीट, इसकी एक बार रिवीजन मारनी है, फिर डेली मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। इस टाइप से आपकी इंग्लिश की तैयारी है कंप्लीट हो जाएगी। ये तो बात होगी आपकी इंग्लिश की, और इसके ऊपर ग्रामर के ऊपर भी डेली आप लोगों को कितना 1 घंटे का टाइम है देना है। ये तो बात होगी आपकी इंग्लिश की होगी और आपकी जीके की होगी। अब बात आती है फॉर्म टोटल कितने भरे गए हैं, तो टोटल आपके अभी तक का जो डाटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए थे वो 2020 के अंदर फॉर्म भरे गए थे, करीबन 45 लाख फॉर्म है 2020 के अंदर भरे गए थे। उसके अंदर वैकेंसी भी कम थी, बावजूद इसके वैकेंसी कम होने के बावजूद भी उसके अंदर करीबन 45 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे SSC MTS के अंदर 2020 के अंदर, ठीक है। तो उस टाइप के जो डाटा, उसके बाद फिर 2000 आपका 21 वाला आया, उसके अंदर थोड़े कम फार्म भरे गए थे 35 लाख के करीब। तो अब की बार वैकेंसी भी ज़्यादा, उस टाइम तो 3-4 हज़ार वैकेंसी आती थी, अब की बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, करीबन 12 हज़ार वैकेंसी हैं। तो इसके हिसाब से जो एस्टिमेट हो ये लगाया जाने लग रहा है कि करीबन आपके 50 लाख के करीब हैं फॉर्म भरे जाएंगे। अभी RTI लगा के डाटा मांगा गया था, लेकिन SSC वालों ने अभी बताने से मना कर दिया, अभी तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं आई है, 17 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके बाद ही हम लोग हैं आप लोगों को डाटा बता पाएंगे भाई टोटल कितने फॉर्म हैं भरे गए हैं। और साथ के साथ आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूँ कि फॉर्म भरने हैं आज से ही भर दो फटाफट से, क्योंकि अभी जो साइट है अभी से डाउन चली गई है, MTS का फॉर्म भरया नहीं जाने लग रहा बच्चों का, ठीक है। तो करीबन अप्रोक्स एस्टिमेट है 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसके अंदर से 30 से 35 लाख बच्चे तो होंगे हम तो पेपर दे के देखने लग रहे हैं भाई, हम तो पेपर दे के देखा हाँ, ऐसे बच्चे मिलेंगे। कुल जो पढ़नीय बच्चे हों 15-1 लाख बच्चे हों पढ़नीय मिलेंगे, उसके अंदर से छटनी हो जाएगी, डायरेक्ट नौकरी मिलेगी, कोई लफड़ा नहीं है ना कुछ। और बुक्स बता दी हैं, GK GS की तैयारी कैसे करनी है वो बता दी है। 150 में से आप लोगों का अगर 120 का स्कोर होने लग रहा है ना मॉक टेस्ट के अंदर, बेस्ट स्कोर है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, 150/150 किसी के नहीं आएंगे भाई। ये जो भी वीडियो बनाते हैं ना 75/75 कैसे ले आएँ इंग्लिश में, तो आ जाएंगे GK में 75/75 असंभव भाई, कभी तेरे खुद के आए हों तो बता दे, SSC के इतिहास में बता दे वे किसी के 75/75 आए हों तो, ठीक है। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी, सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खेजो फटाफट अब यहाँ से।